हाउ टू बाय टोन कॉइन इन टोनकीपर वॉलेट। आज की वीडियो में हम टोनकीपर वॉलेट में टोन कॉइन बाय करने का तरीका सीखेंगे। वैसे तो बाइनांस जैसे एक्सचेंजों पे P2P प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए आप वहां पर USDT बाय करके टोनकीपर आसानी से बाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सचेंजों पर अकाउंट नहीं बनाना चाहते, वो डायरेक्ट टोनकीपर वॉलेट में ही टोन कॉइन बाय करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम टोनकीपर वॉलेट में डायरेक्ट अपने बैंक से पेमेंट करके टोन कॉइन बाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको मैं समझाता हूँ कि पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल में टोनकीपर वॉलेट ओपन करना है। टोनकीपर वॉलेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बाय एंड सेल का एक बटन रहेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मर्कोरियो सबसे पहला ऑप्शन है, ये आसान भी है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करना है। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है, कन्फर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी अमाउंट का बाय करना चाहते हैं आप वो अमाउंट टाइप करें। जैसे कि मिनिमम यहाँ पर मैं $10 का, लेकिन यहाँ पर लिमिट है $28 का बाय कर सकते हैं, यहाँ पर 28 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको 4.57 जो टोन कॉइन होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से बाय बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से बाय बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके यहाँ पर आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पर 5 डिजिट का एक वेरीफिकेशन कोड जाएगा, आपने ईमेल ओपन करनी है और वहाँ से आपने 5 डिजिट का जो वेरिफिकेशन कोड है वो कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने टोनकीपर वॉलेट में आकर यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम एक और लास्ट नेम टाइप करता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फास्ट ट्रैक एलिजिबिलिटी चेक ऑप्शन होगा, जहाँ ऑप्शन आएगा 2-3 सेकंड बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। कंटिन्यू विद फास्ट ट्रैक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपने अपना जो पेमेंट डिटेल है वो ऐड करनी है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVC नंबर, कार्ड होल्डर का नेम। जैसे ही आप ये डिटेल ऐड करेंगे इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4.57 या 5.4 डिटोन होंगे वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे। आप दूसरे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांजैक है, यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि यहाँ से आप पेमेंट USD में आप सेलेक्ट कर लें या कुछ भी कर लें। इसके बाद या मिनिमम $10 टाइप करें, यहाँ पर $10 का भी बाय हो जाता है। बाय बटन पर क्लिक करें, इसके बाद यहाँ पर बाय नो करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर ऑफ और डेट ऑफ बर्थ ऐड करें। इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर भी आपने अपनी जितनी भी डिटेल है, एड्रेस है, रीजन है, सिटी है, जिप कोड है, वो टाइप करके कंटिन्यू करना है। अपनी पेमेंट की डिटेल ऐड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप $10 का भी टोन कॉइन बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बाइनांस अकाउंट में जाकर या बायबिट या OKX में जाकर वहाँ पर P2P प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ से आप किसी भी यूज़र से वहाँ पर USDT बाय करें, उससे टोन कॉइन बाय करके टोनकीपर वॉलेट में आप डिपॉजिट कर दें। तो इस तरह से आप टोनकीपर वॉलेट में टोन कॉइन बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।